महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और खानदेश क्षेत्र के कद्दावर नेता एकनाथ खड़से ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए औपचारिक स्वीकृति को लेकर इंतजार कराए जाने पर सोमवार को निराशा जताई। उत्तर महाराष्ट्र के कद्दावर नेता खड़से ने कहा कि कुछ महीने पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका पार्टी में स्वागत किया था। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोगों के विरोध के कारण औपचारिक सार्वजनिक घोषणा भी तक नहीं हुई है। महाराष्ट्र के 72 वर्षीय राजनेता एकनाथ खड़से ने जलगांव में संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में भाजपा में बने रहना ठीक नहीं है, मैं कुछ और दिन इंतजार करूंगा और फिर कोई फैसला लूंगा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और खानदेश क्षेत्र के कद्दावर नेता एकनाथ खड़से ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए औपचारिक स्वीकृति को लेकर इंतजार कराए जाने पर सोमवार को निराशा जताई। उत्तर महाराष्ट्र के कद्दावर नेता खड़से ने कहा कि कुछ महीने पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका पार्टी में स्वागत किया था। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोगों के विरोध के कारण औपचारिक सार्वजनिक घोषणा भी तक नहीं हुई है। महाराष्ट्र के 72 वर्षीय राजनेता एकनाथ खड़से ने जलगांव में संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में भाजपा में बने रहना ठीक नहीं है, मैं कुछ और दिन इंतजार करूंगा और फिर कोई फैसला लूंगा।